लोगों का फिर एक बार स्वागत और अभिनंदन है। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे संपर्क करते हैं। आपको इन कार्यक्रमों से आशीष मिल रही है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि इसी प्रकार से हमारी और आपकी संगति बनी रहे और हम प्रभु के वचन के भेदों को सीख सकें। प्रियो, हम पहाड़ी उपदेश के ऊपर क्रमवार ध्यान कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने जो धन्य वचन कहे हैं उन पर हम मनन कर रहे हैं। ये उपदेश विश्व प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश कहलाता है और इसमें कही गई बातें बड़ी व्यवहारिक है। पूरा पहाड़ी उपदेश फलसफों का उपदेश नहीं, लेकिन ये उपदेश है कि हम अपने जीवन को कैसे यापन करें। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी प्रजा से शिकायत की कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारे मन मुझसे सदा दूर रहते हैं। अर्थात परमेश्वर ये कह रहा है कि तुमने नाम तो पकड़ लिया है, मेरी जय जयकार तो पकड़ ली, तुमने विधि विधान तो पकड़ लिया है, लेकिन मन तुम्हारा मुझसे बहुत दूर है। जो मैं कहता हूं वो तुम करते नहीं। इसलिए यीशु जी ने भी कहा, इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, संसार में आते हुए, कि बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही लेकिन मेरे लिए एक देह तैयार की। अर्थात मेरा शरीर वो मंदिर है जिसमें मैं तेरे आचरण को, तेरी बातों को उतार सकूं। मैं केवल प्रभु प्रभु ना कहूं, क्योंकि यीशु जी ने कहा हर एक जो प्रभु प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। केवल वही होगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चलता है। इस बात को एड्रेस करने के लिए, इस बात को सही रीति से मनुष्य के मन में उतारने के लिए पहाड़ी उपदेश मुझे और आपको दिया गया है। बड़ा व्यवहारिक, इसमें कर्मकांड नहीं है, लेकिन जो कुछ हम प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु के नाम से करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए करते हैं, वो कैसे किया जाए उसको सटीक तरीके से यीशु जी ने मेरे और आपके सामने रखा। हमने धन्य वचनों को देखा है। इस उपदेश का प्रारंभ यीशु जी ने धन्य वचनों से कहा है, अर्थात उन्होंने कहा ये गुण हैं जो आपके जीवन में होना चाहिए। अगर ये गुण आपके जीवन में है तो ये आशीषें आपको मिलेंगी। आशीषें तो बाद में मिलेंगी, लेकिन अगर आपने जरा सा भी ये इरादा बताया कि आप इन गुणों को अपने अंदर लेना चाहते हैं तो आप धन्य घोषित हो गए। तो दोनों चीज हमारे पास, हम धन्य भी कहलाएं और आशीषें भी पाए। ये भी जान ले कि हर धन्य वचन के आगे अलग अलग आशीषें। इससे ऐसा लगता है कि हम सभी धन्य वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और सभी प्रकार की आशीषें प्राप्त करें। इनमें से चुनने का आमंत्रण नहीं दिया जा रहा, लेकिन समग्र वचन को अपने जीवन में स्वीकार करने का आमंत्रण मुझे और आपको दिया जा रहा। आज हम अंतिम धन्य वचन पर चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर हम पहाड़ी उपदेश के अन्य भागों को, व्यवहारिक भागों को देखने की कोशिश करेंगे। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 5:11-12 तक। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अब प्रभु कह रहे हैं धन्य हो तुम। अभी तक कह रहे थे धन्य है वे, वो कोई भी हो सकते थे, लेकिन अब जब भीड़ उनके सामने खड़ी है, कुछ लोग उनके सामने उस पर्वत पर हैं, प्रभु कह रहे हैं तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे सामने कुछ अलग प्रकार की चीजें आने वाली हैं और तुम उसके लिए अपने आप को तैयार करो। जब किसी ने कहा यीशु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, तो यीशु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की भी जगह नहीं। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपना भविष्य बनाना है सांसारिक रीति से तो आप गलत जगह पर आ गए। वही चीज प्रभु अपने चेलों को यहां पर कह रहे हैं कि जब तुम मेरे पीछे आते हो तो तुमको निंदा और सताव और झूठ और बुरी बुरी बातों का सामना करना पड़ेगा। ना ये सताव थोड़ा सा अलग है
धर्म के नाम पर सताए जाने से। यहां पर यह संबोधित किया गया है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारे खिलाफ, कोई भी इंसान हो, इस संसार का कोई भी व्यक्ति, इसलिए कि तुम प्रभु के पीछे चल रहे हो, अगर तुम्हारा विरोध करता है तो तुम धन्य हो, क्योंकि इस तरह की चीजें तुम्हारे जीवन में आने वाली। ये एक तरह का की पूर्व सूचना थी जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को दे रहे थे, क्योंकि जब यीशु मसीह यरूशलेम को जाने लगे और जब लोगों को मालूम पड़ा, इवन चेलों को भी मालूम पड़ा कि यरूशलेम में बहुत दुख है, क्योंकि यीशु जी ने स्वयं घोषित किया था, तो थोमा कहते हैं आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। अर्थात थोमा मन से प्रभु यीशु मसीह के इस संदेश के अनुरूप तैयार नहीं था, इसलिए डरता था। जब पतरस को प्रभु ने कहा तुम मेरे पीछे आना और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार करो, पतरस कहने लगे मैं तो तैयार हूं, और यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी परिस्थिति क्या थी, लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को इस तरह के दुख उठाने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों को यह अनुग्रह दिया, और जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया और चेले पवित्र आत्मा से भर गए, तो वे न केवल साहसी हो गए, न केवल वे परमेश्वर के महान कामों का वर्णन करने लगे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उस सेवकाई के नाम पर दुख उठाने का अभिषेक भी उन पर आ गया। इसलिए प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं जेल में बंद 2 चेले परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और जेल के सारे कैदी उनकी इस आराधना को सुन रहे थे, और पूरा जेल हिल गया। और कैसे वे लोग बाहर निकले हम और आप जानते हैं, और कैसे जेलर का जीवन परिवर्तित हुआ हम और आप जानते हैं। एक ऐसी विपरीत परिस्थिति जब वे जेल में बंद थे, शायद निराश हो जाते, टूट जाते, शायद कानूनी सलाह की बात करते, शायद आलोचनाएं करते, बुराइयां करते व्यवस्था की, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर रहे थे, वे अपने परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो मनुष्य के द्वारा सताए जाते हैं, इसलिए कि वे यीशु के चेले हैं। आइए कुछ बातों को विस्तार से देखें। यहां पर लिखा धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा कर। कारण क्या है? कारण है यीशु। यीशु ने कहा अगर तुम सोचते हो कि मैं संसार में मेल कराने आया हूं, तो मैं मेल कराने नहीं आया हूं। पिता को बेटे से, मां को बेटी से, भाई को भाई से अलग करने के लिए आया हूं, क्योंकि जो प्रभु की ओर होंगे वो अपने घर वालों का भी विरोध सहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे, और परमेश्वर अपने उन लोगों को बुलाकर चुन लेता है जिन्हें उसने अपने प्रेम में बुलाया है, और वे संसार की तमाम विपरीत परिस्थितियों में होकर भी परमेश्वर के बन जाते हैं केवल एक नाम के कारण, यीशु जी के कारण। यहां पर लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताए। बुरे काम करके अगर आप सताए जा रहे हैं तो यह आपकी अपनी समस्या है, लेकिन अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन केवल इसलिए कि आप प्रभु यीशु जी के भक्त हैं, अगर आप पर सताव आता है तो यीशु जी कहते हैं आप धन्य हैं जो दुख सहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं वे निंदा करेंगे, सताएंगे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। निंदा होगी तुम्हारी, तुम्हारे मुंह पर तुम्हें बुरा बोला जाएगा, सताया जाएगा, और जो बातें हैं नहीं वो भी तुम्हारे लिए गढ़ी जाएंगी, अर्थात झूठ बोला जाएगा और झूठ बोल बोल कर तुम्हें निंदित किया जाएगा। आज के मीडिया के युग में यह कहा जाता है कि अगर एक झूठ को आप बार बार जोर से बोलेंगे तो वो सच लगने लगता है। कितनी अच्छी बात है कि खुदा ने बहुत पहले कह दिया था कि यह धंधा मनुष्य करेगा, वो झूठ को सच बताएगा, सच को झूठ बताएगा।
यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, हाय तुम पर जो सच को झूठ बोलते हो, झूठ को सच बोलते हो, दिन को रात बोलते हो, रात को दिन बोलते हो, क्योंकि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। योहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा, परमेश्वर ज्योति है, वो इस जगत में आई, लेकिन मनुष्यों ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। उन्होंने ज्योति से अधिक अंधकार को पसंद किया, उन्होंने झूठ को पसंद किया, उन्होंने निंदा को पसंद किया, उन्होंने सताव को पसंद किया, उन्होंने लोगों को अत्याचार करके डराने और धमकाने और बुरे काम करने को पसंद किया। प्रभु ने कहा, तुम धन्य हो अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है। फिर प्रभु का वचन कहता है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इधर तुम सताए जा रहे हो, उधर तुम आनंदित हो रहे हो। क्या दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? कि सताओ के बीच में आप प्रभु की आराधना करें, कि सताओ के बीच में आप उसकी जय जयकार करें। आप आनंदित हो और इतने आनंदित हो कि आप मगन हो जाएं। चेलों ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि न केवल हम यीशु के द्वारा उद्धार को पाएं, लेकिन उसके द्वारा हम दुख भी सहें। अर्थात उन्होंने अपने हिस्से में आए हुए दुख को सेलिब्रेट किया, उन्होंने दुख का आनंद मनाया। पौलुस कहते हैं, मैं अपने शरीर में मसीह के दागों को लिए फिरता हूं। जो शरीर में उसके घाव हो गए थे सुसमाचार प्रचार के लिए और जगह जगह दुख उठाने के कारण से, प्राकृतिक आपदाओं में और मनुष्यों के द्वारा पत्थरवाह में, और बहुत सारी बार उसने बहुत कठिन बातें सही, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। और वो अपने घावों को देख देख कर कहता, ये तो खुदा के निशान है मेरे जीवन, और मैं उनको लेकर फिरता रहता हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक और प्रभु के दास थे, बहुत खूबसूरत दास, उनका नाम था स्टीफनुस। और जब परमेश्वर स्टीफनुस के द्वारा बड़े बड़े काम करता था और वो बहुत मशहूर हो गए, तो स्थानीय लोग उनके पीछे पड़ गए। और एक दिन स्टीफनुस को उन्होंने पत्थरवाह करके मार देने का तय किया। जब वे स्टीफनुस को पत्थर मार रहे थे, तब स्टीफनुस प्रार्थना कर रहा था, और तब उसने अपने एक दर्शन को लोगों को बताया, और उसने कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखता हूं। और लोगों को स्टीफनुस का चेहरा स्वर्गदूत जैसा दिखाई दे, एक ओर से पत्थर गिर रहे हैं, लहूलुहान हो रहा है, लेकिन उसके चेहरे में स्वर्गदूत का सा नूर है। वो कह रहा है, मुझे पत्थर दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो स्वर्ग खुला हुआ दिखाई दे रहा है, और उस स्वर्ग में मैं परमेश्वर के पुत्र को देखता हूं जो परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ है। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, पूरी बाइबल में यीशु जी को हमेशा पिता के दाहिने बैठा हुआ विराजमान बताया गया। केवल एक ही जगह है जहां पुत्र को खड़ा हुआ दर्शाया गया। और अगर हम ये सोचें तो कितना अच्छा लगता है, और सोचना भी चाहिए, कि स्टीफनुस का स्वागत करने के लिए यीशु मसीह अपने सिंहासन से खड़े हो गए। है ना धन्यवाद। जब लोग तुम्हें सताएं, तुम अपने आप को धन्य मानना। बुरी बुरी बातें कल्पना से गढ़ी जाएंगी, और सब कुछ पहले से मुझे और आपको बता दिया गया, इसलिए हमें अचरज नहीं होना चाहिए। आगे वो कहते हैं, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट। अब यीशु जी कह रहे हैं कि जितने भविष्यद्वक्ता इतिहास में हुए हैं आज तक, जिन्होंने बार बार पवित्र लोग होने के कारण से अपने समय के लोगों से दुख उठाया है, ये इतिहास उन लोगों से भरा हुआ। और यीशु जी कहते हैं कि तुम भी उनमें शामिल हो। इसलिए यहां पर लिखा है, इसलिए कि उन्होंने तुमसे पहले के भविष्यद्वक्ताओं को ऐसे ही सताया। मतलब तुम भी भविष्यद्वक्ता हो, तुम भी उस क्रम में हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद प्रभु का छोटे से छोटा दास उन भविष्यद्वक्ताओं की फहरिस्त में शामिल है।
जो खुदा के लिए दुख उठाकर चले गए, प्रभु ने कहा तुम भी उनमें शामिल हो, क्योंकि वे तुम्हारे जैसे थे जिनको पहले सताया गया, अर्थात तुम भी उनके जैसे हो। आप अपनी गिनती कहां करवाना चाहेंगे? भेषवक्ताओं में करवाना चाहेंगे? तो आनंदित होइए, मगन होइए, प्रभु में आनंद मनाइए, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया और चुना है कि आप सताए जाए और दुख सहें। और अगर हम यीशु जी के जीवन पर ध्यान नहीं करेंगे तो यह हमारा मनन अधूरा होगा। फिर से यशायाह 53 की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। बाइबल कहती वो दुखी पुरुष था। जब परमेश्वर ने हमारे गुनाहों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया तो हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने कहा अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ। हमने निंदा गढ़ी, हमने बुराइयां गढ़ी, हमने बुरी बातें गढ़ी, हमने बुरे आक्षेप लगाए उस पर। हमने कहा ठीक हुआ। और जब वो क्रूस पर टंगे हुए थे, लोग सिर हिला हिला कर कहते थे मंदिर को ढाकर 3 दिन में खड़ा कर देने वाले, अपने आप को क्रूस पर से उतार ले। बड़ी निंदा। जो डाकू उसके साथ क्रूस पर टंगे हुए थे, दोनों, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, दोनों उसकी निंदा और ठट्टा करते थे। कोई कारण? जी नहीं, कोई कारण नहीं। वे भी दंड उठा रहे थे, उनके दंड सही थे क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किए थे, लेकिन अभी उनको अपने अपराध नहीं दिख रहे। जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर ठोंका, जिन्होंने वो आदेश निकाला है, वो उनको अपने मित्र लग रहे हैं। वे यीशु का ठट्टा कर रहे हैं तो ये भी उसका ठट्टा कर रहे हैं। जरा उनसे कोई पूछे तो सही कि तुम इस जमात में कब से शामिल हो गए? तुम तो क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए ले जाए जा रहे हो, तुम ठट्ठा करने लगे? ये तुम्हारा ठट्ठा करने का समय है? चंद घंटों में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो मानसिकता जो उनके अंदर बसी हुई थी कि यीशु को सताना है, वो मानसिकता हर चीज के ऊपर प्रबल हुई। आज मनुष्य अपनी परिस्थिति को नहीं देख रहा, अपने हालात को नहीं देख रहा, एक ही बात उसके सिर चढ़ के बोल रही है, यीशु को सताना। और इस प्रकार से वे उसे ताड़ना देने लगे। दोनों डाकू परमेश्वर की निंदा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। लोगों ने उसके सिर पर कांटों का ताज डाला, उसकी आंखें बंद की और उसे मार कर पूछा, बता तू तो नबी है, बता किसने तुझे मारा? उसके मुंह पर थूका, उसे हर प्रकार की ताड़ना दी। लेकिन प्रभु ने उन बातों को धन्य माना जो ये उपदेश दे रहा था। जब यीशु मसीह ये बातें अपने लोगों से कह रहे थे, मैं ये कल्पना करता हूं कि उनका क्रूस उनकी आंखों के सामने था। लोग निंदा करेंगे, सताएंगे, झूठी बातें गढ़ेंगे और तुम्हें बुरी बुरी बातें कहेंगे। तुम घबराना नहीं, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है और परमेश्वर तुम्हें इसका बड़ा इनाम देगा और तुम अपने मन में आनंदित और मगन हो। क्या यीशु दुखी थे? इब्रानियों की पत्री में लिखा है, जो आनंद उसके सामने रखा हुआ था उसको देखते हुए यीशु ने क्रूस के दुख को सह लिया, अर्थात आनंद भाव से सहा उसने। अपने दुख की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि जैसे एक स्त्री एक बालक को उत्पन्न करती, उसको बहुत पीड़ा होती, लेकिन जितनी पीड़ा होती उससे अधिक उसको आशा होती, और जब उसकी संतान उत्पन्न हो जाती वो अपनी सारी पीड़ाएं भूल जाती, क्योंकि जो हासिल हुआ है वो उस पीड़ा से कहीं बढ़कर। धर्म का हासिल चाहते, वो इनाम चाहते, वो आनंद चाहते जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो इस पीड़ा से कहीं बढ़कर। पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें मिलने वाली है उसके सामने ये कुछ समय का दुख नगण्य है, कुछ भी नहीं। सुन लीजिए पौलुस की, वो सच बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन सच बोल रहा। यीशु जी कहते हैं
सताव के बीच में तुम आनंद से उछलोगे। और यीशु ये भी कहते हैं कि इस बात से मगन होना कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है और तुम नबियों की जमात में शामिल हो, परमेश्वर के परम पवित्र लोगों की जमात में तुम शामिल हो यदि तुम खुदा के नाम से दुख उठाने को तैयार हो। सांच को आंच नहीं होती और अंत में प्रभु और उसका सत्य प्रबल होगा। वो बादलों पर आने वाला है, अपने प्रियों को लेकर जाएगा, वही संसार का न्याय करेगा और हर घुटना उसके सामने झुकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। बिना घुटना टेके और बिना अंगीकार किए कोई नरक भी नहीं जा सकता। इससे पहले कि वे लोग जो नरक में जाने हैं नरक में डाले जाएं, उससे पहले एक चीज उनको करनी पड़ेगी, अपना घुटना टेकना पड़ेगा और अपने मुंह से बोलना पड़ेगा यीशु मसीह ही प्रभु है। तो क्यों ना ये आज ही कर लिया जाए, क्यों ना अपना मन फिराए, हम सताने वाले ना बने, हम सताव सहने वाले बने। आज इस दुनिया में सूली चढ़ाने वाले तो बहुत हैं, सूली चढ़ने वाले कम हैं। प्रभु मुझे और आपको बुला रहे हैं, आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया। आपने अपने बच्चों को ये अनुग्रह दिया कि वे सीखें और समझें और वो अभिषेक प्राप्त करें कि वे विपरीत परिस्थितियों में, दुखों में भी विश्वास योग्य बनकर आपकी सेवा करें। आपके इस धन्य वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और ऐसे गंभीर वचन के सत्यापन के लिए खुदा आप अपने दर्शकों के बीच में खुदा अपने अनुग्रह को बह जाने दे। खुदा यीशु के नाम से इस वचन के आधार पर आपके सारे रोग अभी और इसी वक्त चंगे हो, आपका दुख कष्ट और क्लेश यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त जाता रहे। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर सदा होता रहे यीशु नासरी के नाम से।